आज अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम जी का बड़े ही श्रद्धा और भक्ति एवं हर्षोल्लास के साथ पूरे प्रदेश में जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। इसी क्रम में उमरिया जिले सहित नौरोजाबाद बिरसिंहपुर पाली करकेली चंदिया मानपुर में भी भगवान परशुराम जयंती मनाई गई। वहीं पाली नगर में बिराजी माता बिरासरी मंदिर प्रांगण में भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव भक्तिभाव एवं हर्षोल्लास के साथ ब्राह्मण समाज के द्वारा मनाया गया। सर्वप्रथम इस अवसर पर प्रातः भगवान परशुराम जी की पूजा अर्चना पूरे मंत्रोच्चार के साथ विधि विधान से सम्पन्न हुई। तत्पश्चात 5:30 बजे भव्य शोभा यात्रा निकली और जो नगर के मुख्य मार्गों प्रकाश चौराहा बस स्टैंड बाबू लाइन होते हुए पूरा नगर में भ्रमण कर सरस्वती विद्यालय में समापन हुआ। विद्यालय परिसर में विशाल भंडारे का आयोजन भी किया जिसमें हजारों श्रद्धालुगण और स्थानीय बुद्ध जन शामिल हुए हैं। हर्ष के साथ परशुराम जयंती मनाई गई विधिवत। जैसा कि सुबह से मंदिर परिसर में पूजा हुई, मंदिर प्रांगण में पूजन का आरंभ हुआ और लगभग 8 बजे से लेकर 10 बजे तक पूजन का कार्यक्रम हुआ। उसके बाद अभी सायंकाल लगभग 6 बजे से लेकर और अभी जुलूस निकल रहा है और शोभा यात्रा निकल रही है प्रभु श्री परशुराम जी की। और विधिवत तरीके से मातृ शक्तियों का भी अगर देखा जाए तो हुजूम अच्छे तरीके बहुत हर्ष के साथ जुलूस निकल रहा है और काफ़ी तादाद में ब्राह्मण समाज का जो समागम है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है और पिछली बार से भी ज़्यादा तादाद इस बार देखने को मिल रही है और काफ़ी हर्षित हैं लोग। एकता का एक परिचय है, एक मिसाल है। और अभी विशाल शोभा यात्रा के बाद भंडारे का आयोजन किया गया है जो सरस्वती शिशु मंदिर में जाके खत्म होगा और इसी तरह इस वर्ष भी बहुत हर्ष के साथ ये त्यौहार उत्सव मनाया गया। आप सबको हम सब की तरफ से परशुराम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज परशुराम जन्म उत्सव पे हमारे मंदिर में सुबह सुबह कार्यक्रम हुआ है, सुबह सुबह पूजा अर्चना हुई है और यहाँ पर हमने काफी रैली निकाली गई है जो कि यहाँ से होते हुए विरासती मंदिर से होते हुए हम लोगों ने पूरा राउंड मारते हुए दोबारा से हम लोग विरासती मंदिर जा रहे हैं और सरस्वती मंदिर में भंडारा रखा है और यहाँ पर बच्चों की रैली। लेकिन यहाँ पीछे कितना बड़ा जुलूस आ रहा है और ये सब हमारे परशुराम जयंती की शुभकामनाएं।